प्यारो राजस्थान चैनल की तरफ से सभी को शुभकामना। आज हम पढ़ेंगे नई जिलों के बारे में, नई जिलों के टॉप मोस्ट पर्सन। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को सबसे अहम घोषणा 19 नए जिले बनाने की। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के बाद प्रदेश में 33 से बढ़कर जिलों की संख्या 50 हो गई है। वहीं 3 नए संभाग बनने के बाद 7 से बढ़कर संभागों की संख्या 10 हो गई है। तो अब 19 नए जिले बने हैं राजस्थान में, कुल 50 जिले हैं राजस्थान में। तो हम नवीनतम जिला अनूपगढ़ किस जिले से अलग कर बनाया गया है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर। तो अनूपगढ़ गंगानगर जिले से अलग कर बनाया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा गंगानगर। अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? घग्गर, कांतली, साबी, रावी। तो आपका सही आंसर होगा घग्गर नदी। अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ जिला है। निम्न में से कौन सी तहसील अनूपगढ़ में शामिल नहीं है? छतरगढ़, रावला, रायसिंह नगर, ये तीनों अनूपगढ़ में शामिल है। सिंहदरी एक ऐसी तहसील है, वो अनूपगढ़ में शामिल नहीं है। राइट आंसर सिंहदरी। पचपदरा किस जिले में? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, बालोतरा। तो पचपदरा पहले बाड़मेर में था, अब बाड़मेर से अलग कर बालोतरा को नया जिला बनाया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा बालोतरा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस जिले से स्थित है? नीम का थाना, सीकर, कोटपुतली, खैरथल। तो गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर जिले में थी और सीकर जिले में नीम का थाना था, अब नीम का थाने को अलग जिला बनाया गया है, इसलिए राइट आंसर होगा नीम का थाना। अगला प्रश्न है, चूरू किस संभाग में शामिल है? सीकर, बीकानेर, प्रतापगढ़, पाली। तो चूरू पहले बीकानेर संभाग में शामिल था, 7 संभाग थे, अब 10 संभाग बना दिए गए हैं, इसलिए चूरू को सीकर जिले में शामिल कर लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा सीकर जिला। अगला प्रश्न 7वां, सबसे छोटा संभाग कौन सा है? पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, सीकर। तो सबसे छोटा संभाग है वो बांसवाड़ा है। 7 संभाग पहले थे, अब 10 संभाग हो गए हैं, सबसे छोटा संभाग है वो बांसवाड़ा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, याद रखना। अब अगला प्रश्न 8वां, राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दूदू। तो पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था बताइए? पहले सबसे छोटा जिला धौलपुर था, अब सबसे छोटा जिला है दूदू, जो जयपुर से अलग कर बनाया गया है। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं? 4, 6, 8, 5। तो पहले राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते थे, अब 5 जिले राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अगला प्रश्न राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जिला कौन सा है? गंगानगर, अनूपगढ़, सांचौर, बालोतरा। तो नवीनतम जिला पाकिस्तान का स्पर्श करने वाला अनूपगढ़ है। 4 पहले 4 थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और अब 5वां जिला अनूपगढ़ जिला है, वो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। तो अब 5 जिले हो गए, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनूपगढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 11, नवीनतम जिला कोटपुतली में तहसील व उपखंड कितने? 9, 7, 8, 7, 7, 7, 9, 8। तो 8 तहसील, 7 उपखंड कोटपुतली जिले में हैं। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बाहरट का जन्म किस जिले में हुआ? देवखेड़ा शाहपुरा, देवखेड़ा भीलवाड़ा, मौलिया से सीकर, समदड़ी, बालोतरा। तो देवखेड़ा शाहपुरा, देवखेड़ा भीलवाड़ा, पहले देवखेड़ा था भीलवाड़ा जिले में, अब भीलवाड़ा जिले से शाहपुरा को अलग कर जिला बना दिया गया है। तो देवखेड़ा शाहपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा देवखेड़ा शाहपुरा। विराटनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? जयपुर, कोटपुतली, अलवर, प्रतापगढ़। तो विराटनगर पहले जयपुर जिले में था, अब जयपुर जिले से कोटपुतली को अलग जिला बना दिया गया है। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटपुतली, यानी विराटनगर है वो कोटपुतली जिले में है, और कोटपुतली जिला है वो जयपुर से अलग कर बनाया गया है। तो हड़बड़ाहट में यहाँ पे
प्रश्न को गलत मत कर देना, तो आपका राइट आंसर कोटपुतली जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में, बाड़मेर, संचोर, बालोतरा, जालोर। तो इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग पहले बाड़मेर जिले में था, अब बालोतरा में हो गया, क्योंकि बालोतरा को नया जिला बना दिया गया है बाड़मेर से अलग करके, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा। तो बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को जिला बनाया गया, इसलिए राइट आंसर बालोतरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीडवाना कुचामन जिले का स्थापना दिवस कब मनाया गया था, 7 अगस्त 2023, 8 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2003, 10 अगस्त 2000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 2023 को स्थापना की गई थी। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है, लाडनू नागौर, लाडनू डीडवाना, समदड़ी, अजमेर, सीकर। तो जैन विश्व भारती पहले लाडनू नागौर जिले में थी, अब नागौर से डीडवाना को अलग करके जिला बना दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाडनू डीडवाना। जैन विश्व भारती डीडवाना जिले में है और नागौर से अलग करके डीडवाना को जिला बनाया गया है, तो राइट आंसर लाडनू यानी डीडवाना जिला, लाडनू डीडवाना। तो सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे, कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।